तेज कर दी। तेरे पीछे खड़ी थी। पिछली बार जब आप लोग आए थे ना, तो ये वाला बड़ा सा पेड़ है वो इसी के एकदम जो वो है ना खंडर बना हॉस्पिटल जो है अपना, उसी के जस्ट सामने ही ये पेड़ है। मतलब कि यही रास्ता वो अंदर की तरफ जाता है ना, कीड़े मकोड़े ज्यादा है। आगे बढ़ो थोड़ा सा। यहाँ पर आने के बाद कि इस जंगलों में जैसे कोई आपस में बात करता है। हाँ ये है क्या जिसे हम लोग इतनी देर से ढूंढ रहे हैं और कहीं पर भी नहीं मिल रहा भाई, ये है वो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एक कमाल के अर्निंग ऐप के बारे में। जी हाँ गाइस, forabet.com, वो भी कैश गेम एविएटर खेल के forabet पे। forabet पे पर्सनली फेवरेट गेम है एविएटर। गाइस इस गेम को खेलना बहुत ही इजी है। आपको करना क्या होगा, एक छोटा सा अमाउंट सेलेक्ट करना होगा। इस गेम के लिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा, जितना बड़ा आपका अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा आप जीतोगे। चलिए गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। आपको इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने ठीक टाइम पर आपकी जीती हुई अमाउंट कलेक्ट नहीं किया तो आप हार जाओगे, आप पैसा विन नहीं कर पाओगे। तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे खेला जाता है। तो गाइस अमाउंट सेलेक्ट कर लिया और प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर चुका है और हमारी जो लगाई हुई अमाउंट है वो कितना ग्रो कर, देखिए 1650 रुपए मैंने विन भी कर लिए कुछ ही सेकेंड में। तो गाइस चलिए एक बार मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। मैंने 1000 फिर से लगाया और जो हमारी अमाउंट है देखिए ग्रो कर रही है। आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक टाइम पर ही कलेक्ट कर लेना है अमाउंट, नहीं तो आप जीत नहीं पाओगे। तो ये देखिए 3 गुना ज्यादा मेरा अमाउंट हो गया, 4 गुना ज्यादा अमाउंट हो गया और 5 गुना ज्यादा अमाउंट अब हो चुका है मेरा, 6-7 गुना। ये देखिए मैंने 6580 रुपए कलेक्ट कर लिए कुछ ही सेकेंड में गाइस। तो गाइस आपने देखा 30 सेकंड के अंदर मैंने कितने ज्यादा पैसे अर्न कर लिए। तो गाइस मैंने जो भी अमाउंट जीती है वो आपके सामने ये स्क्रीनशॉट है, मैंने इतने अमाउंट फटाफट अर्न कर लिए गाइस। आपकी जो ये जीती हुई अमाउंट है आप इसे इजी तरीके से विड्रॉ कर सकते हो आपके यूपीआई से। आप पेटीएम चलाते हो या फोन पे या गूगल पे, उससे बहुत ही इजी तरीके से विड्रॉ कर सकते हो आपके अकाउंट में। आप भी जीत सकते हो ढेर सारे पैसे, फटाफट जाकर forabet.com पर रजिस्टर करो और खेलो एविएटर। गाइस आप सभी के लिए डबल बोनस, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके या फिर कमेंट में पिन किए हुए लिंक पर जाकर आप क्लिक करते हो तो आपको मिलता है डबल बोनस। और गाइस आपको याद रहे जितना बड़ा अमाउंट होगा उतनी ही बड़ी विनिंग होगी, तो फटाफट जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, डाउनलोड करो forabet.com को और खेलो एविएटर। हॉन्टेड हॉस्पिटल, सभी भाइयों को एक बार हमारा नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। ये जो जगह बहुत ज़्यादा डिमांड पे थी आप सभी के कि भाई एक बार वापस से उसी हॉन्टेड हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पर आपको वो जली हुई लड़की नज़र आती है। दोस्तों यहाँ पर आने का कारण पता है आपको, कुछ दिनों से मेरे सपनों में वो चीज़ बार बार मुझे दिखाई दे रही है और एक बार को ऐसा लगा मुझे कि
कि मेरा गला वो सपने में दाब रही। मतलब मैं जब सो रहा था ना अपने घर पे, तो ऐसा लगा एक पल को कि कोई हमारे पास में एक धुंधली सी छाया और सेम वही चीज जो यहाँ पर दिखाई देती है, सेम वही चीज में मुझे हल्का हल्का याद है। और उसने ऐसा लगा कि जैसे मैं लेटा हूं ना, तो उसने गला दाब दिया और मैं उठ ही नहीं सकता हूँ, ना अपनी बॉडी को हिला सकता हूँ। तो इस तरह का मुझे महसूस हुआ। तो वाकई में यार एक डर पैदा कर दिया ये जगह ने। तो मुझे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आके माफी मांगनी थी उस चीज से कि भाई, बहुत सारे लोगों का डिमांड भी था कि भाई आप जाओ यहाँ पर, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ। हमने कहा चलो ठीक है, साथ में लगे हाथ यहाँ पर जो भी हमने गलतियां की हैं उनका भी प्रायश्चित कर लेंगे और आपकी डिमांड भी पूरी कर देंगे। तो वही आपकी डिमांडिंग हॉस्पिटल वाली लोकेशन। कहानी आप सबको पता है, मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत होगी। लड़की की आत्मा यहाँ पर दिखाई देती है, वो भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर, जिसकी जान गई थी। अब किस रीजन से गई थी मैंने सब कुछ बता रखा है पहले की वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा पहले के पार्ट के, तो वो भी जरूर देख लेना, कहानी जरूर पता चल जाएगी आपको। बाकी सीधा इस लोकेशन पे विजिट करते हैं और फिर देखते हैं कि वाकई में अब भी वो चीज रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी। बाकी गाइस आज हम दो लोग हैं, हमेशा दो लोग ही जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप लोग और भी लोगों को लेके जाया करो, तो सबसे पहले बता दूं आप सभी को कि ऐसी लोकेशन में ना किसी भी पर्सन की, मैं बता रहा हूं दावे के साथ, कि यहां पर अगर बाहर से ही भी कोई चीज देख लेना इतने एरिया की, तो वहीं से लौट जाएगा, वो आएगा ही नहीं, मैं इतना दावा करता हूं। एक सब्सक्राइबर को भी मैं लेके गया था हाल ही में, वो भी गया था मेरे साथ और उसके साथ मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। दोबारा किसी भी लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं की उसमें। तो जिस भी भाई को लगता है कि हमें जाना चाहिए, तो यहाँ इंस्टाग्राम शो हो रहा होगा, आके मैसेज कर देना, सीधा लेके चलेगा आपको लोकेशन पे भाई। और सीधा देर ना करते हुए सीधा अंदर चलते हैं और अंदर इन्वेस्टिगेट करके हम लोग निकलेंगे, क्योंकि मेरे रोंगटे अब भी से खड़े हैं बुरी तरीके से। रात के आपको यकीन होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो चीजें कहता हूं कि मैं रात को 2 बजे नहीं आता, 3 बजे नहीं आता, जितने बजे आता हूं उतने बजे ही बताता हूं। मैं इस वक्त 11 बजे यहां पर खड़ा हूं, रात के 11 बजे भी यहां पर, छोड़ो यहां पर 6 बजे भी कोई आके बताए ना, मान जाऊंगा, सैल्यूट करूंगा उसको। सीधा अंदर चलते हैं। एक चीज है यार, है ना विक्की, हाँ? इस जगह पर वो जो आत्मा है, कहते हैं कि एक सेकंड से में भी जितनी गंदी कम होती होगी ना, उतने सेकंड में भी वो गायब हो जाती है। तो कैमरा बहुत स्थिर चलाना, शेक नहीं हो, लाइटिंग पे प्रॉपर ध्यान देना, ताकि हमारी जितनी भी ऑडियंस, उनको दिखना चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज मौजूद है ना। क्योंकि कई बार हम लोग डर जाते थे, लाइट कम हो जाती थी, ऑफ हो जाती थी, ये नहीं हो। अंदर चलते हैं सीधा। लाइट को बढ़ा लेना, है ना? फुल कर दी, थोड़ी सी कम रखना फुल से, बस। दोस्तों जस्ट अभी एक आवाज आई है जैसे कोई बात कर रहा था यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा कहां से भी। जरा
कौन है यहाँ पर? अजीब सी बात है, इस जगह से एक आवाज आई है पता करने की, और उसी वक्त रोंगटे खड़े हो गए हम लोगों के, है ना? दोस्तों ठीक इस जगह पर पिछली बार एक ऐसी आत्मा नजर आई हम लोगों को, हम लोगों के यकीनन आप मान नहीं पाओगे। आज तारीख कितनी है? आज तारीख होगी मेरे हिसाब से, जब हम लोग आए थे ना पिछले महीने, कब आए हम लोग? मई में आए, मई या जून में, मई में आए हैं, मई के लास्ट में 20-20 तारीख को, है ना? आज है तारीख लमसम 28 या 29 तारीख है मई, है ना? 28 है, 28 तारीख, 28 मई है। तो आज यहाँ पर मौजूद है सामने। क्या खिड़की के पास कोई था? कोई दिखा तुम्हें? इधर दिखा, कोई था क्या? यहाँ पे था कोई, इस जगह पे? हाँ। कौन मौजूद है यहाँ पर? कौन सी आत्मा है? अंदर लगा क्या था आस पास से? कोई बहुत तेजी में निकल रहा अपने पास से। कौन है यहाँ पर? हमें इस दीवार पे पूरा डाउट है, इतने पुराने खंडर में एक सिर्फ यही एक दीवार है जो नई है, और इसके पीछे क्या है, इसके पीछे जाने का रास्ता क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश एक बार जरूर करेंगे कि इस जगह के अंदर भी जाएं, क्योंकि मैंने जो हाल ही में पता किया है, कहते हैं कि इस रूम के अंदर ही उसको जलाया गया था। कहते हैं बाबा पंडित जो भी होते हैं तांत्रिक ओझा, यहां पर जब लोगों को परेशान करने लगी थी ना वो लड़की, तो उसके अंदर ही कैद कर दिया था, लेकिन कहते हैं कि आज वो कैद नहीं हो पाई थी, आज भी वो बात मतलब इसके अंदर कैद नहीं हो पाई थी वो किसी रीजन से, और अब वो इतने एरिया में घूमती है। ताबीज दरवाजे में बांधी गई थी वो तो तोड़ दी गई ना। हाँ यहाँ पे ना, हाँ ये देखो, तो बंदेज ये नई चीज मुझे पता चली थी। मुझे कोशिश है कि इस दीवार के अंदर जाना है एक बार, इस दीवार के अंदर क्या है। आवाज आ रही,
संभल के दिखा क्या मैं? हाँ हाँ तो यहाँ से झांक रहा था। कौन था यहाँ पर? देखिए हमें पता है कि इस वक्त भी आप हम लोगों के पीछा कर रही हो, मतलब मौजूद हो इस जगह, और शायद आपको हमारा यहां पर आना बार बार पसंद नहीं है, इसलिए आप मेरे सपने में आते हो। मुझे पता है मैंने शायद कोई ऐसी गलती करी होगी जिसकी वजह से आप सपने में आकर मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जहां पे हो ना वो आपकी जगह है, वहीं पर आप रहो और हमारे ना तो सपने में आओ और ना मुझे कभी डराने की कोशिश करो। शायद मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए इसका अंजाम हुआ होगा। डराने को कितना डरा सकती हो? मुझे पता है तुम यही बार मौजूद हो। आवाज आ रही? आवाज आई? हाँ। तू क्यों डर रहा है? अभी से ना तेरे पास? हाँ। सेफ्टी है ना? हाँ। बस डर बिल्कुल भी मत, एकदम टाइम पहले रह और कैमरा आराम से बिल्कुल स्थिर कैमरा चलाना है। गाइस, एक ये भी विवाद है जो नहीं है, और मुझे इस बात का समझ में नहीं आया आज तक। अब इसके बाद स्टार्ट होता है मेन जगह जहां पर वो नजर आती है बार बार, मतलब वो जंगल। चलते हैं अभी पर जंगल की तरफ, देखते हैं क्या वो रिकॉर्ड होती, क्योंकि शायद मुझे मेरे हिसाब से कितनी बार रिकॉर्ड हुई अगर दिख रही है तो वह रिकॉर्ड हुई है। कंफर्म वही चीज थी? हाँ। देखा तूने अपनी आंखों खिड़की के पास? बहुत भयानक चेहरा था भाई। चेहरा देखा? बहुत भयानक। रिकॉर्ड भी हुआ? हाँ। एक बार इधर देख, जंगलों के साइड में शायद हो सकता है इस तरफ दिखाई दे। देखा भाई? देखो मेरा तुमको ओपन चैलेंज है। तुम्हें लगा होगा हो सकता है कि मैं माफी मांगने आया हूं, तो मैं माफी मांगने नहीं आया, मैं ओपन चैलेंज देता हूं। टच करके भी बताओ हम दोनों में से किसी को भी, तुम उसे नहीं कर सकती तो मुझे ही करके बताओ, मैं मान जाऊंगा कि हाँ वाकई में तुम बहुत पावरफुल हो। आज तारीख है 28 मई, ठीक है? 28 मई से जोड़ लेना 10 दिन पूरे के पूरे, आऊंगा वापस लौट के और तुझे कैद करके लेके जाऊंगा, एक खुले आम बोल रहा हूं और कैमरे पे बोल रहा हूं 2 लाख ऑडियंस के बीच में। है तू यहां पर तो छू करके भी दिखा। आजा भाई, अंदर एक बार देखते हैं। इसके घर से कॉल आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि आज हम लोग कानपुर के लिए निकल रहे हैं, बराबर कॉल आ रहे हैं। डर मत बिल्कुल है, और आ जा आगे। भाई साहब वो देख, रिकॉर्ड कर, रिकॉर्ड कर, रिकॉर्ड कर, नीचे तक पूरा रिकॉर्ड कर। वो खड़ी है सामने, हमने कहा था ना अपने आसपास है, अपने इर्द गिर्द है, डरना बिल्कुल भी मत, बिल्कुल एकदम शांत रहे, एकदम शांत रहे, बिल्कुल भी डर मत। देखो हमें पता है
तुम यहां पर रहती हो। तुम्हारी जगह पे कब्जा करने आया, तुमने मुझे परेशान किया इसलिए मैं वापस लौट के आया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिर से एक बार। भाई साहब उसको फोकस कर, फोकस कर। ये जगह देख, मैं छोड़ के जा रहा हूं। अगर मेरे सपने में वापस तू आएगी ना, वहीं पर कैद कर दूंगा जहां पर तू रहती है। शायद वो तांत्रिक पागल होगा या जो भी तुम्हें कैद करने की कोशिश की है। मैं पागल नहीं हूं, 2 मिनट लगेगा कैद करके लेके चला जाऊंगा। गाइस एकदम सामने हमारे वो खड़ी है, विक्की की हालत एकदम कसता है, डाउन है, डर रहा है, पीछे हटते जा रहा है। और मुझे अब भी वो नजर आ रही, शायद कैमरे में नजर नहीं आ रही होगी ना। नहीं हल्की लगी आ रही भाई, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ, वो अपनी जगह पे है और मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ। वो अपनी जगह की रक्षा कर रही है, हिफाजत कर रही है। मैं सिर्फ यहाँ पर उसको समझाने के लिए आया था और मेरे हिसाब से समझ भी गई होगी। उसको पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना, है ना। पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना, लौट जा। वहीं पे अभी भी मुंह है। दिखा दिखा इधर से, इधर से अभी वहीं पे, यहाँ से दिखा। वो देख है, वो देख, वो खड़ी है, दिख रहा है। और ज़ूम कर उसको, वो देख खड़ी है। ठीक है, हमें लगता है कि आप शायद समझ गई होगी कि आपको हमारे पीछे नहीं आना चाहिए और मैं भी यहां लौट के वापस नहीं आऊंगा। अगर परेशान किया तो वाकई में फिर क्या होगा मुझे नहीं पता। या तो मैं जाऊंगा या तुम जाओगे, दोनों में से एक खत्म होगा। ये ओपन चैलेंज है तुम्हें, एक बार ना। एक बार ना करीब जाके। गायब हो गई भाई। मेरे हिसाब से अब हम लोगों के लिए एक आतंक होगा क्योंकि हमने उसे चैलेंज कर दिया। निकलना चाहिए, अब यहाँ से निकल चलना चाहिए। आ जाओ, यही रास्ता है। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है, शायद उसे चैलेंज कर दी। जस्ट तेरे पीछे खड़ी थी, मार दे, मार दे। जस्ट तेरे पीछे थी भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा, तेरे पीछे खड़ी थी, जस्ट पीछे। इधर आ, इधर आ, मेरे करीब आ। हम लोगों ने चैलेंज करके गलती की है, मार दिया। महाराज विक्की देखो, मत देख सकते, देखिए आप जो भी हैं वहीं पर रह जाए, हमारे पीछे मत आना। निकल विक्की।